बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ब्राह्मण और अस्पृश्य एक ही जाति की संतान है, फिर अमानवीय व्यवहार कहां से आया? वो आया ग्रीक, अरब, तुर्क और अंग्रेजी शासन के प्रभाव से। अमानवीय व्यवहार की प्रेरणा दास प्रथा है और दास प्रथा भारतीय नहीं विदेशी थी। अभी हाल तक दासों को यूरोपवासी जानवरों की तरह चिड़िया घर में रखते थे। उनके बच्चे हमेशा के लिए उनसे दूर बेच दिए जाते थे। उनके परिवार नहीं हो सकते थे, वे जानवरों की तरह खरीदे बेचे और मारे जा सकते थे। छोटी छोटी गलतियों पर हाथ पांव काटे जाते थे। एक बाप ने काम पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी के हाथ पांव काटकर उसको सौंप दिए। ये लाचार सुन्न नजरों से उन्हें देख रहा है। उसी व्यवस्था को पोषित करने वाले न्याय विशेषज्ञ आज भी पूरे विश्व में न्याय के देवता कहलाते हैं। आज भी उन्हीं को पढ़कर लोग न्यायाधीश और वकील बनते हैं। दास मालिकों की संतानें भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश दे रही है। भारत में 40 साल तक ग्रीस के राजदूत रहे मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास होते ही नहीं है। ये बात 300 ईसा पूर्व की है। लेकिन भारत में दास तो थे, लेकिन वो मेगस्थनीज की नजर में नहीं आए क्योंकि भारतीय दास ग्रीक जैसे नहीं थे। कंडीशन इन विच समबडी कैन बिकम दास, यू कैन नॉट मेक दास। ए ब्राह्मण वॉज नॉट अलाउड टू बिकम ए दास एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक एनीबडी एज ए दास। नंबर वन, ओनली फॉर द फिजिकल सर्वाइवल यू कुड एक्सेप्ट दास, टू बिकम दास ऑफ समबडी। दास मीन्स सपोज you have problem with physical survival because of time of famine, you don't have anything to eat, but I have enough. So you become my das. You come and say that I am your das. So as long as that famine condition remains, you work in the house, earn your livelihood, and once the famine condition is over, you are free to go back. If there is anything due, please pay and go back. Nobody could actually make you slave for all your life. And remember, it's an amazing thing. Slaves had the right of their own property. Slaves have the right of their own life. You could not take it away. Family, more than that, if there is a girl who has pledged herself as a das, owner had no right to have any physical relationship with them. In case he went for it, offspring will have the same right in the property as a real son. As a real wife, that kind of rights were given and protected, and more than that, Kautilya rights, Manu right, that if suppose food has been made ready, suddenly some guests drop in, so you have to adjust within that food. Manu ordains very clearly, Manu says, orders very clearly that no share will be reduced of das. He will get his full meal, rest would be divided to in order to accommodate to guests. That kind of things were there. तीसरी सदी ईसा पूर्व से ग्रीक पश्चिम भारत के राजा बनने लग गए। शूद्रों के साथ निम्न व्यवहार के नियम तब ही बनना शुरू हुए हैं। आगे चलकर हिंदुओं को दास प्रथा के तुर्की और अंग्रेजी संस्कार मिले। शरिया के राज में हिंदुओं की सब जातियां दासों की ही तरह अपमानित होती थी। अंग्रेज भारतीयों से कुत्तों के बराबर व्यवहार करते थे। अफ्रीकन दासों के समान ही भारतीयों को भी निम्न कोटि की नरजाति समझते थे। कुछ अंग्रेज तो इतने क्रूर थे कि नौकर अगर पंखा झलने में सुस्ता जाता था तो उसे लातों से मारते थे। प्राय ऐसी मार से लोग मर जाया करते थे। जो बात भारतीय समाज के बारे में मेगस्थनीज ने कही, वही बात 2200 साल बाद फिर कही मार्क्स ने। मार्क्स ने माना कि भारतीय समाज शोषण मुक्त है, परंतु पशु पक्षियों और पेड़ों को पूजता है,
इसीलिए हम उसे नष्ट करेंगे और इसमें बड़ा मजा आएगा। सिर्फ मजे के लिए संघर्ष पैदा करने में आज भी मार्क्सवादी लगे हैं।